आपको इस क्षेत्र से किसकी हवा चल रही है? इस समय समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। लोग भाजपा के कुशासन से बहुत नाराज हैं। और सर जो है इस समय तो भाजपा की हवा चल रही है। विरोधी तो कह रहे हैं कि नहीं चल रही है। सबका अलग अलग नजरिया है देखने का। समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी की क्यों? समाजवादी पार्टी ने विकास किया, पहले सरकार बनी थी तो अब कहाँ विकास हो रहा है, सांड चल रहा है खेते जाकर। ये सरकार ऐसी है कि जिसको गोली लगती है उसी को 307 लगता है। टक्कर है लेकिन भाजपा जीत जाएगी। टक्कर है इस चुनाव में। हवा किसकी चल रही है? समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। समूचा बदलाव के लिए जनता लड़ रही है। जनता बदलाव चाह रही है? जनता बदलाव नहीं चाह रही है, बदलाव के लिए लड़ रही है। बदलाव के लिए लड़ रही है। अगला मुख्यमंत्री किसको बनता देख रहे हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी बनेंगे क्या बवास? क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। इस समय हम गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। गाजीपुर यानी वीरों की धरती। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखा जाए तो 1957 के चुनाव से लेकर आज तक के चुनाव में सिर्फ पब्बर राम जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे दो बार विधायक बन पाए हैं। नहीं तो 1957 के बाद से तमाम चुनाव को देखा जाए कोई भी प्रत्याशी दोबारा इस क्षेत्र से विधायक नहीं बन पाया है। पार्टियां भले ही लगातार चुनाव जीतती रही हों, जैसे सपा ने 2007 में चुनाव जीता, 2012 में चुनाव जीता, लेकिन 2007 में सैयद फातिमा थी यहाँ से विधायक, तो 2012 में वीरेंद्र राय थे, 2017 में भाजपा लहर में सवार होकर संगीता बलवंत यहाँ से विधायक बनी, 2022 में फिर से वो चुनाव मैदान में है, सपा से जयकिशन साहू मैदान में है, वहीं बसपा से राजकुमार गौतम मैदान में है। लड़ाई त्रिकोणीय बताई जा रही है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है कि आज तक के इतिहास में कोई लगातार पब्बर राम को छोड़ के विधायक नहीं बन पाया, और 2017 से लेके कितना विकास हुआ इस शहर का, इस चुनाव में चुनावी माहौल कैसा है, क्या लगता है आपको? पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, हमारा नाम धनंजय कुमार तिवारी है, हम पेशे से सीए हैं और इस बार यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर सदर से। और हमारा चुनाव चिन्ह कंप्यूटर है, तो हम लोगों से ये करेंगे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दीजिए और कंप्यूटर पर अपना मत दीजिए। जैसे पूर्वांचल का इलाका माना जाता है कि धनबल और बाहुबल, जी जी, इन क्षेत्रों में काफ़ी चलता है। बगल की मऊ विधानसभा है, इतिहास जानते होंगे जी। तो राजनीति में आने का कैसे सोचा आपने? देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें कहीं लगता था कि राजनीति में सही लोग आएँ और सही नियम बने, और हम लोग चूँकि सीए थे, लॉ पढ़ते थे, तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं और वो कहाँ है स्तर पर, क्योंकि लॉ बन जाता था लेकिन इम्प्लीमेंट सही से नहीं होता था। तो हम लोग डिपार्टमेंट जाते रहते थे, सारी चीज़ देखते थे, तो लगता था कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। तो इसीलिए फिर कहीं ना कहीं झुकाव था कि राजनीति में आएंगे, देश सेवा करेंगे, सही नियम बनाएंगे, हर तबके के लिए नियम बनेगा। कहीं गलत विधानसभा तो चूज नहीं कर लिए? यहाँ लगातार कोई दो बार विधायक नहीं बना, तो ये हमारा पहली बार है और हम भगवान की दुआ रहेगी तो हम पहली बार और दूसरी और तीसरी हर बार जीतेंगे, क्योंकि हम निर्दलीय हैं, लोगों का विकास करना चाहते हैं, अपना जो दिमाग हम पढ़ाई में लगाएं उसका सही तरीके से उपयोग जनता की सेवा में भी लगाएंगे। तो हम संगीता बलवंत यहाँ से विधायक रही, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, संगीता बलवंत जो रही हैं वो काफ़ी मतलब अच्छी विधायक रही हैं एक तरह से, लेकिन जनता के बीच में उनके खिलाफ अभी इतनी प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए हैं और हम चाहते हैं कि उनका जो अनुभव है वो जनता को उतना मिला नहीं, जो डॉक्टर हैं वो, तो इस बार जनता एक सीए को जिने और हमारा अनुभव देखे। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र से किसकी हवा चल रही है? इस समय समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। लोग भाजपा के कुशासन से बहुत नाराज हैं और भाजपा के मिनिस्टर रही संगीता बलवंत को लॉलीपॉप दिया गया, लास्ट में इनको मंत्री बनाया गया है, और इनसे पहले इनके सामने का जो रोड है अभी तक बना नहीं, जब चुनाव आया है तो बनवा कर इनको लॉलीपॉप देकर गुमराह किया गया है। और पब्लिक जान रही है कि किसको इस बार विधायक बनाना है। किसको बनाना है? जयकिशन साहू को, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जयकिशन साहू की जीत पक्की है। 2007 से लेके आप लगातार 17 तक यहाँ सपा का विधायक रहा, क्या लगता है क्षेत्र का विकास सपा के कार्यकाल में हुआ? सपा के कार्यकाल में इतना अच्छा विकास हुआ था, जो भी रोड बने हैं देख लीजिएगा, बाईपास सपा के ही लोग बनवाए थे, चाहे जो भी विधायक रहा हो, उस समय सदा फातिमा जी थी,
रोड बनवाए सपा के कार्यकाल में, उसके बाद जब से बीजेपी का कार्यकाल आया कोई रोड बना नहीं। आप देख रहे हैं त्रस्त है जनता। बनारस से आने में पहले 3 से 4 घंटे लग जाते थे, अब तो 1 घंटा भी नहीं लग रहा। वो तो फोरलेन सरकार की नीतियों से बना हुआ है, फोरलेन से मत तुलना करिए, क्षेत्रीय रोडों को देखिए। आप विधायक हैं तो क्षेत्र का विकास करेंगे, आप बनारस से गाजीपुर का विकास नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको किसकी हवा है? सपा की। भाजपा ने बुरा काम किया क्या? नहीं नहीं, एकदम गड़बड़ पार्टी है, सपा गड़बड़ पार्टी है। क्यों गड़बड़ पार्टी है? कुछ नहीं, विकास के नाम आरक्षण विरोध। कौन सा आरक्षण छीन लिया भाई? आप देख रहे हैं अभी टीचर की भर्ती हुई थी, 6000 टीचरों की भर्ती के लिए कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया है। ऐसी आपको सरकार चाहिए क्या कि जो आपका हक ही छीन ले? सपा के शासनकाल में कहा जाता था कि केवल यादवों की भर्ती हो रही है, यादव आयोग तक कुछ लोगों ने लिख दिया, उसको मीम बनने लगे थे। आप जान रहे हैं कि हमारे प्रदेश में या देश में फॉरवर्ड की संख्या कम है, उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है और 55 से 60% OBC है, उनको 27% आरक्षण में गुमराह किया गया है। जनरल सीटें तो सबके लिए होती है ना? जनरल सीट में जनरल की संख्या कहाँ है? जनरल सीट किसी का आरक्षित तो नहीं होती ना? वो आरक्षित नहीं होती है, लेकिन जनरल सीटों में उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है, उनकी संख्या कहाँ है? कहीं किसी भी गाँव में किसी भी एरिया में देखिए जनरल की संख्या है? क्या करना है उनको, नौकरी देना बंद कर देना? नहीं, नौकरी उनको संख्या के हिसाब से दीजिए, जब 55% है तो 27% तो 10% है तो उनको 5% आरक्षण दीजिए। आप 10% क्यों देंगे? कितनी सहमत है इनकी बातों से? 100% 100%। अच्छा, आरक्षण खत्म होना चाहिए बढ़ा देना चाहिए? आरक्षण जो है बढ़ा देना चाहिए थोड़ा सा। कितना परसेंट कर दें? 90%। हाँ, 90% कर। इससे देश का विकास हो पाएगा? कहीं विकास होगा, देश पीछे तो नहीं जा रहा इससे? पीछे नहीं जाएगा देश, पीछे नहीं जाएगा। क्या लगता है किसकी हवा चल रही है? सपा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की? क्यों? समाजवादी पार्टी ने विकास किया, पहले सरकार बनी थी तो अब कहाँ विकास हो रहा है, सांड चल रहा है खेते जाकर, अब पूरा खेत नाश हो रहा है, किसान परेशान है। किसान परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कि हमारे राज्य में दंगे नहीं हुए, राज्य में शांति है। गंदे का हो रहा है, जाकर देखिए किसान का खेत पूरा चल रहा है। दंगे नहीं हुए? मैं ये कह, दंगे तो बहुत हो रहा है। कौन सा दंगा हो गया? बहुत दंगा हो गया, किसानों को कुचला गया गाड़ी चढ़ाकर, किसानों को कुचला गया गाड़ी चढ़ाकर, अब इससे बड़ा दंगा कौन होना चाहिए? ये सरकार ऐसी है कि जिसको गोली लगती है उसी को 307 लगता है, जिसको गोली लगती है उसी को 307 लगता है। आप ताड़ीघाट का एक मैटर था सत्या वाला, देख लीजिएगा, उसी को गोली लगी, इसको 307 लगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या कि जिसमें जिसको गोली लगे उसी को 307 लगे और मुजरिम बाहर घूमे? क्या लगता है इस क्षेत्र में किसकी हवा चल रही है? सर जो है इस समय तो भाजपा की हवा चल रही है। विरोधी तो कह रहे हैं कि नहीं चल रही है। सबका अलग अलग नजरिया है देखने का, अलग अलग नजरिया है। चाचा क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है? अरे कि आप काफी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, ऐसा क्या है कि लगातार कोई 2 बार विधायक नहीं बन पाया? गाजीपुर की यह खूबी है, जो भी यहाँ विकास करता है वो दूसरी बार नहीं आता। जो भी विकास करता है वो दूसरी बार नहीं आता। कालीचरण एक बार हुए थे शिक्षा मंत्री जी, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, लेकिन दूसरी बार उनको आने नहीं दिया गया। तो संगीता बलवंत आ पाएंगी? संगीता बलवंत फ्रेश आ रही है। विकास नहीं किया क्या? गाजीपुर में कम से कम 5 सीट जीत रही है बीजेपी। बीजेपी 5 सीट जीत रही है? जहूराबाद जीत रही है कि नहीं? जहूराबाद जी, जहूराबाद की लड़ाई थोड़ा कठिन है बसपा और भाजपा के बीच में। ओम प्रकाश राजभर गायब है। क्या लगता है आपको? टक्कर है लेकिन भाजपा जीत जाएगी। टक्कर है लेकिन भाजपा जीत जाएगी? ये लोग तो कह रहे कुछ कमियों नहीं हुआ। काम बहुत सारा काम हुआ, ऐसा थोड़ी राजनीतिक स्टंट है ना। काम तो उनके समय में क्या हुआ? अखिलेश जी पाँच साल रहे, कितनी नौकरी दे दिए, कितना रोजगार फैला दिए। आज वो मांग रहे हैं हिसाब, जबकि उनकी सरकार 20 साल से चली आ रही थी। क्या विकास हुआ? भाजपा का विकास सबकी नज़रों में है, देख रहे हैं 5 साल में योगी जी ने कितना विकास किया। सड़क दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, माफिया कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित किया। अच्छा, यहाँ पे खासकर ये मुख्तार अंसारी का क्षेत्र रहा मऊ और गाजीपुर, काफ़ी बुलडोजर चला। बुलडोजर सही चला या गलत चला? नहीं, बुलडोजर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कर्म हम करेंगे उसका भुगतान हमको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा।
अब वैसा है, कानूनी रूप से फंसे हैं, वो भी बेचारे फंसे हैं, क्या करें, वो एक ना एक दिन उसको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। जो गलत काम किया उसका भुगतान कर रहा है। हाँ हाँ, कहीं योगी जी उनके पीछे तो नहीं पड़ गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, किसके किसके पीछे, योगी जी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ दुरुस्त कर रहे हैं। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर रहा है। कुछ इस चुनाव में हवा किसकी चल रही है? समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या खासियत है कि कोई भी लगातार दो बार विधायक नहीं बन पाया? जो काम करेगा वो विधायक बनेगा, जो जनता के कामों को गंभीरता से लेगा वही दोबारा विधायक बनता है। तो 1957 से लेकर मैं इतिहास देख रहा था, पब्बर राम को छोड़ के कोई यहाँ इस क्षेत्र से दो बार विधायक नहीं बना। 2007 में सपा जीती, फातिमा जी जीती, 2012 में भी सपा जीती, लेकिन कैंडिडेट बदल गया था। देखिए ऐसी बात ही नहीं है, जो काम करेगा वो जीतेगा। फातिमा जी काम फातिमा जी काम नहीं की थी क्या? फातिमा जी काम की थी, लेकिन फातिमा जी फिर अपने गांव क्षेत्र में चले गए। जब परसीमन हुआ, परसीमन के अनुसार जब विधानसभा एरिया चेंज हुआ तो उस हिसाब से उनको सेटेबल लगा, उनका गांव था वो, तो जौराबाद वो चली गई। और रही बात यहाँ माननीय स्वर्गीय कैलाश जी विधायक रहे, उनकी पत्नी किस्मतिया देवी विधायक थी, फिर उनके पुत्र हैं विधायक हैं, फिर दोबारा वो विधायक हैं, ऐसा नहीं है दोबारा विधायक है। और बात करते हैं सपा की, क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगी इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी सातों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। गाजीपुर की सातों सीट? सातों सीट। जहूराबाद को लेकर क्या कहेंगे? जहूराबाद हम लोग कम से कम 30,000 से वहाँ चुनाव जीतेंगे जहूराबाद में। जब बात आई है ओम प्रकाश राजभर की, क्या लगता है कि कितने दिनों तक आपके साथ हैं वो? देखिए गठबंधन होता है विचारों का, व्यक्ति का गठबंधन नहीं। विचार मिल रहे हैं क्या सपा और सुभाषपा के? एकदम, जब विचार मिले हैं तो गठबंधन हुआ है। दो से या तीन वीडियो वायरल हो रहे हैं जो जहां वो लगातार सपा के विरुद्ध बात कर रहे हैं। वो पुराने देखिए, जब उनका जब विचार अलग था तो हम लोगों से अलग थे, आज विचार एक है तो हम लोग के साथ में है। उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, जिस पार्टी के साथ गए अगले चुनाव तक वो उसके विरोधी हो जाते हैं। क्या लगता है कितने दिनों तक? ऐसा नहीं है, अभी तो पिछली बार वो भाजपा के साथ गए, भाजपा से उनका तालमेल सही नहीं बना, भाजपा ने सम्मान नहीं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत बसपा से की, मायावती जी से नहीं बना, फिर पहली बार विधायक बने भाजपा के साथ आए तो विधायक बने, भाजपा से नहीं बनी, सपा के साथ कितने दिनों तक? ऐसा है, उस समय जब BSP में वो काम करते थे, एक वर्कर थे, कार्यकर्ता थे जी। जब जिला अध्यक्ष भी बने। हाँ, तो जब उस दल की मान और मानसिकता उनसे नहीं टैली की, उसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया, अपना दल बना के आज सफल नेता के रूप में है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। क्या लगता है किसकी हवा चल रही है इस क्षेत्र में? सर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उम्मीद है 100 में 100। उम्मीद है 100 में 100। क्या लगता है बाबा, हंस रहे हैं आप काफ़ी? ऐसा है, मीडिया वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम जनता के लिए आपने समय निकाला चुनाव की मजबूरी में। लेकिन यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता, नेता नहीं, समूचा बदलाव के लिए जनता लड़ रही है। जनता बदलाव चाह रही है? जनता बदलाव नहीं चाह रही, बदलाव के लिए लड़ रही है। बदलाव के लिए लड़ रही है। अगला मुख्यमंत्री किसको बनता देख रहे हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी बनेंगे क्या बाबा, क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, कुछ युवा हैं पीछे, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? किसकी सरकार? मायावती। मायावती? यहाँ तो सारे लोग सपा सपा चिल्ला रहे हैं। नहीं, यहाँ जो सपा सपा चिल्ला रहा है चिल्लाने दीजिए, जो मायावती का मायावती मायावती तो बोलेगा ही। बहन जी की सरकार बनने वाली है। बहन जी की सरकार बन रही है जी। राजकुमार गौतम यहाँ से प्रत्याशी है। हाँ। क्या लगता है विधायक बन पाएंगे? जी जरूर बनेंगे। डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम ने जो पहले विधायक थे तो अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा, यहाँ कोई टिक नहीं पाएगा। आपको क्या लग रहा है? सपा आएगी, और कौन आएगा? सपा सपा आएगी। आपके मित्र तो कह रहे हैं बस पाएगी। सब अलग अलग माइंड के होते हैं ना भाई, जिसका जो होता है वो बताएगा। आपको क्या लग रहा है?
समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से, भाजपा ने काम नहीं किया क्या यहाँ पे? भाजपा ने कुछ नहीं काम किया। कोई आप 10 किलोमीटर के रेंज में बताइए, कोई एक सड़क बना हुआ तो बताइए। 10 किलोमीटर के रेंज में कोई सड़क नहीं बना हुआ। आपको क्या लग रहा है? आप नहीं बोलेंगे, कुछ लोग पीछे की तरफ है वहाँ भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। क्या बाबा, किसकी सरकार बन रही है? अब तो क्या बताया जाए, इससे क्या अनुभव लगाया जाए। कुछ तो लग रहा होगा आपको? लग रहा है, देख रहे हैं सभी पार्टियां तो जो है अपने आप को कह ही रही हैं कि हम निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं, तो क्या आंकड़ा लगाए हैं बताइए आप। जी, योगी जी ने काम कैसा किया? करीब करीब ठीक है कर रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब मुख्यमंत्री हैं, जब उन्हीं को करना है तो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अखिलेश यादव और योगी जी में अच्छा मुख्यमंत्री कौन? अब कहना क्या चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि इसकी बार तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब की बार चेंज करना पड़ेगा, यानी सीधे सीधे पत्ते नहीं खोल रहे, घुमा फिरा के बातें कर रहे। जी हाँ बोलिए। मायावती जी का शासनकाल कैसा रहा? अब क्या कहवा रहे हैं, जो कर रही हैं वो अच्छी कर रही हैं, लेकिन लेकिन सरकार अखिलेश की आनी चाहिए। जी हाँ, बदलाव का मूड है। कुछ लोग पीछे हैं उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? हाँ, किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? साइकिल योगी जी देश में हाहाकार मचा है सरकार। क्या ऐसा कौन सा हाहाकार मच गया? ये पिछली सरकार के जो विफलताएं थे उसका फायदा इनको मिला। पूरी जनता एकदम त्रस्त है उनके झूठे वादों से, सांप्रदायिक कार्यों से, जातिवादी कार्यों से। पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, सपा के कार्यकाल में लगातार दंगे होते रहते थे। दंगा क्यों नहीं हुआ? आप नहीं उनसे पूछे, मुजफ्फरनगर का जो दंगा था, जो मुजफ्फरनगर का दंगा सपा के कार्यकाल में हुआ था। अरे नहीं, इसमें इनके भी हुआ था, शब्बीरपुर वाला कांड नहीं हुआ था? कैसे आप बात कर रहे हैं? वो नहीं, और जाहिर रही सांप्रदायिक दंगे की बात, तो ये पूरे 5 साल में टारगेट किया गया है। एक जो दलितों को, पिछड़ों को टारगेट करके और उनके ऊपर अत्याचार किया गया। आप नौकरियों में घोटाला किया गया, जो हाई कोर्ट ने पकड़ा, जो 22 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का 122 कर दिया गया और 122 वाले का 22 कर दिया गया, ये तो हाई कोर्ट में पकड़ा गया। और देखिए, अगर इनकी मंशा के अनुरूप ये कार्य न होता तो उस अधिकारी को प्रमोट न किया जाता, उसको तो जेल भेजना चाहिए, उल्टे उसका प्रमोशन हो गया। जो उन्नाव कांड की जो महिला थी, उस पर हमको कहने में शर्म आ रही थी, वहाँ की SSP जो महिला थी, नाम हमको भूल रहा है, उसको DIG में, रेलवे में DIG बना दिया गया, उन्नत करके, जिसको कि जेल में होना चाहिए, जिसने CBI खुद उससे आरोप लगाया कि ये इसमें जो है विधायक जो सेंगर था, कुलदीप सेंगर, उसकी मदद गैर कानूनी ढंग से नियम के विरुद्ध जाके उसकी मदद कर रहे थे, उसको जेल में होना चाहिए, वो DIG बना दी गई। तो ये तो जो बाबा के मंशा के हिसाब से हो रहा। अब बाबा के ऊपर खुद 148 मुकदमे उसने वापस ले लिए, ये जरा भी शर्म नहीं। पूरे प्रदेश की जनता इसको देख रही है, पूरे प्रदेश। आपको क्या लग रहा है? एकदम जो भैया कह रहे हैं एकदम सही लग रहा है। अपना विचार भी तो कुछ होगा। इनका ही विचार हमारे विचार से मिल रहा है। इनका विचार आपके विचार से मिल रहा है। हाँ।